नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर में। मैं हूं आपका दोस्त रोज कैलाश। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको नए नए डीलर्स दिल्ली के और अच्छे डीलर्स आपको एक्सप्लोर कराएं, और इसी कड़ी में आज हम आ गए एक नए डीलरशिप पे जिसका नाम है गैलेक्सी कार। और आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कुछ एक्सयूवी और कुछ एसयूवी रेंज की गाड़ियाँ जो कि बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में और बहुत अच्छी प्राइसिंग के साथ में हैं। तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वो तीन नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे बहुत ही अच्छे कमेंट किए थे। दोस्तों, ये थे वो तीन नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे बहुत बेहतरीन कमेंट किए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए। इसी प्रकार से आप हमें दिखाते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में ज़रूर लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, ये आपका अधिकार बनता है। तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, शुरू करेंगे और दिखाएंगे आज गैलेक्सी कार का स्टॉक। दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत, और एक बार फिर हम आ गए हैं गैलेक्सी कार पे। और हमने जो पिछला सेगमेंट दिखाया था, बहुत ही आपने उसको अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छा आपको प्राइसिंग वगैरह लगी। आज हम अरहान भाई के पास में एक बार फिर से हैं। अरहान भाई, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमें इस वीडियो में आप कौन कौन सी गाड़ी दिखाने वाले? आज आपको एसयूवी सेगमेंट में दिखाएंगे सारी सेवन सीटर गाड़ी। आपको एक्सयूवी 500 मिलेंगी, डस्टर मिलेगी आपको, और मिलेंगी एंडेवर मिलेगी, मोबिलियो मिलेगी, एर्टिगा मिलेगी, इसी टाइप की सारी गाड़ियाँ, ऑलमोस्ट सारी सेवन सीटर गाड़ियाँ, सारी सेवन सीटर। तो शुरुआत कर लेते हैं, एक्सयूवी खड़ी हुई है, अरहान भाई इसकी डिटेल क्या है? ये 2012 मॉडल में W6 वेरियंट है इसका, डीजल इंजन हो गया। थोड़ा फीचर में बात कर लें तो क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं आपको? सारे जो लग्जरी के होते हैं, बस टॉप मॉडल से दो चार फीचर्स कम होते हैं। इसमें अलॉय नहीं होते, टॉप मॉडल में अलॉय मिलते हैं। नेविगेशन नहीं होती, वो टॉप मॉडल में आती है। और पावर मिरर में एडजस्ट नहीं होते, बाकी सारे फीचर्स होते हैं, मैनुअली होते हैं। कितनी ये चल चुकी है? ये चली हुई है 63,000। ऑनर इसका? ऑनर फर्स्ट। और इसमें कोई पेंट वगैरह? इसमें पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ये फ्रंट बम्पर पेंट है, बाकी पीछे का बम्पर साइडिंग सब ओरिजिनल है, नॉन एक्सीडेंट की गारंटी। हमें ये बताओ, जब W6 अपने टाइम पे आ रही 2012 में, कितने की आ रही थी उस टाइम? ये उस टाइम पर थी 13-14 लाख के आसपास में थी। तो अरहान भाई, इसका प्राइस क्या रखा हुआ आपने? इसका प्राइस रखा है हमने 4,90,000। इसमें हम नेगोशिएट कर सकते हैं थोड़ा बहुत? बिल्कुल नेगोशिएट होगा। ठीक है, तो एक ये एक्सयूवी हो गई, और आपको एक्सयूवी दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। एक एक्सयूवी ये खड़ी हुई है, तो अरहान भाई अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो ये कौन सी वाली है? ये भी 2012 मॉडल में, ये टॉप मॉडल है W8, वो W6 यार इसका सेम है, वेरिएंट चेंज है बस, ये टॉप मॉडल में, वो सेकंड टॉप मॉडल। इसमें कुछ खास अलग से कुछ एक्स्ट्रा आता इसमें है? एक्स्ट्रा में आता है जैसे वो अभी बताया मैंने आपको, अलॉय व्हील आते हैं, नेविगेशन आती है, पावर मिरर आते हैं, बस यही फीचर होते हैं। कितनी ये चल चुकी है? ये चलिए 85,000। सर्विस रिकॉर्ड विद सर्विस रिकॉर्ड। ओनर? ओनर इसका फर्स्ट ओनर है। ओके, इसमें कोई डेंट पेंट कुछ नहीं? नहीं, सारी गाड़ी ओरिजिनल है, इसमें कोई बम्पर भी पेंट नहीं है गाड़ी का। क्या आपने प्राइस रखा है? इसका प्राइस रखा है हमने 5,30,000। बढ़ेंगे आगे, एक और आपको एक्सयूवी 500 दिखाते हैं। ये मुझे लग रहा है दोनों सेम है। जी, दोनों कलर का अंतर है। 2012 ही मॉडल है, ये भी टॉप मॉडल में ही है। ये भी W8 है? जी, ये भी W8 है, बस इसका कलर व्हाइट है, तो थोड़े इंटीरियर का व्हाइट कलर में जो होता है उसका इंटीरियर चेंज होता है, इसका कलर अलग होता है थोड़ा। तो उसमें प्राइस में थोड़ा अंतर आ जाता है? प्राइस में बस थोड़ा बहुत उससे कम ही है प्राइस इसका। इसका प्राइस रखा है हमने 5,25,000। और ये कितनी चली हुई है? ये भी चली हुई है 80,000 के आसपास में ही है। ओनर इसका भी फर्स्ट है, फुल इंश्योरेंस है। ओके, अब ये तीनों गाड़ी हमने दिखाई है, इनकी तीनों का माइलेज लगभग कितना रहता है? माइलेज इन तीनों डीजल हैं? जी, डीजल में ही होती है। इसका माइलेज कितना आ जाएगा? माइलेज देती है 12 के आसपास, मैक्सिमम 12 का। ये 5,25 में हो गए, काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस हैं। तो बढ़ेंगे आगे, एक और गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी आपके लिए एक्सयूवी खड़ी हुई है 500।
अनन भाई इसकी क्या डिटेल है? ये 2011 मॉडल में, ये भी टॉप मॉडल W8 है। ओके ओके, फीचर सेम ही है लगभग? फीचर सबके ही सेम होंगे W8 में बिल्कुल। और ये कितनी चल चुकी है लगभग? ये चली हुई है 60,000, उनसे कम चली है। जी, उनसे कम चली हुई है। तो इसका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह? बिल्कुल, सारी कंपनी से सर्विस है इसमें, पूरा ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं बम्पर भी पेंट नहीं है गाड़ी में, ये जो निशान लगे भाई ये टचिंग हुई हुई है, बाकी पेंट नहीं है, बम्पर भी कहीं से सब ओरिजिनल है। अंदर से देख सकते हैं आप, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको बम्पर। अब प्राइस पे आ जाते हैं, वो 12 मॉडल दिखाई है हमने तीनों, ये 11 मॉडल, ये 11 मॉडल है। इसका क्या स्पेशल प्राइस? इसका प्राइस रखा है हमने 4,60,000। इसको निगोशिएट करेंगे थोड़ा, ये भी नेगोशिएशन हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। एक और आपको SUV दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया। अरहान भाई इसकी हम क्या डिटेल? ये 2010 मॉडल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद 4x4, फोर व्हील ड्राइव। जी जी, फोर व्हील ड्राइव। नहीं, ये चला चुके हैं अभी तक? ये चली है 1,10,000। जेनुइन है, विद रिकॉर्ड चली है 1,10,000। कोई नहीं बताता 1,10,000, अंडर 1 लाख ही बोलते हैं ज्यादातर, जो हमारा जेनुइन है हमने वही बताया। ये अच्छी बात है, देखो आप जेनुइन बोलेंगे तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और हमारी भी बढ़ेगी कि हम जेनुइन कंटेंट लाते हैं, जेनुइन चीज दिखाते हैं। बाकी अगर हम फीचर पे आ जाते हैं तो इसमें फोर व्हील ड्राइव में क्या क्या हमें मिलता है? फोर व्हील ड्राइव में इसमें बस लग्जरी सेगमेंट के सारे फीचर्स होते हैं, पावर विंडो नॉर्मल, ये बाकी पावर स्टेयरिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, माउंट कंट्रोल, अलॉय व्हील मिलेंगे आपको टॉप मॉडल में, बस यही फीचर्स होते हैं। ऑटोमेटिक में टॉप वेरिएंट भी डीजल में ही आती है। और इसका क्या माइलेज आ जाता है? इसका माइलेज भी यही 10 से नीचे ही होता है माइलेज इसका, मैक्सिमम 8-9 के आसपास में। कहाँ का रजिस्ट्रेशन? ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का, दिल्ली का। जी जी, तो कितनी वैलिडिटी बची है? 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल की बची। लग्जरी गाड़ियाँ ये थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ ही बाहर ही जाती हैं, यूपी साइड, बिहार, बांग्लादेश इस साइड में ही जा रही हैं, बैंगलोर टाइप में। बाकी रान भाई हम इसके प्राइस पे आ जाते हैं, तो आपने क्या एक्सक्लूसिव प्राइस रखे हैं? प्राइस रखा है हमने इसका सिर्फ 4 लाख। इसमें कोई टचिंग पेंट डेंट? इसमें भी सिर्फ बम्पर पेंट है, मैक्सिमम पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, नॉन एक्सीडेंटल की गारंटी है बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, एक और गाड़ी दिखाते हैं आपको। बहुत ही डिमांड आ रही है इस गाड़ी की, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी अर्टिगा, तीन दिखाई थी, एक और खड़ी हुई है, ये गैलेक्सी कार पे खड़ी हुई है। आरान भाई इसकी क्या डिटेल है? ये 2013 मॉडल है, डीजल वर्जन में, इसका VDI वेरिएंट है। ओनर इसका फर्स्ट? ओनर फर्स्ट ओनर है, फुल इंश्योरेंस है। ओके, कब तक है इसका इंश्योरेंस? इंश्योरेंस अभी इसका नेक्स्ट ईयर तक 2020 तक फुल इंश्योरेंस। इतना ये चल चुकी है? ये चलिए 72,000 किलोमीटर। इसमें कुछ पेंट? इसमें भी सिर्फ बम्पर पेंट है, बाकी ओरिजिनल है सारी गाड़ी। मैक्सिमम गाड़ियों का सिर्फ बम्पर ही पेंट मिलेगा आपको, पूरी गाड़ी ओरिजिनल ही मिलेगी। दिल्ली में ट्रैफिक इतना होता है, स्क्रैच आती है, फिर बिना स्क्रैच की वाली गाड़ी कोई लेगा नहीं, कस्टमर कहेगा स्क्रैच, इसलिए बम्पर पेंट होता ही है उसका। आपने क्या रखा हुआ इसका? हमने इसका प्राइस रखा है सिर्फ 5 लाख। सिर्फ 5? जी बिल्कुल, वो भी हम नेगोशिएट कर, बिल्कुल नेगोशिएट। तो बढ़ते हैं आगे, एक और गाड़ी दिखाते हैं आपको, ये खड़ी है डस्टर। अरान भाई इसकी क्या डिटेल है? ये 2013 मॉडल, RXL 85 PS। ठीक है, कौन सा वेरिएंट हो जाता है RXL? ये RXL सेकंड टॉप होता है, इससे ऊपर आता है RXZ। इसका ड्रिवन है 53,000 किलोमीटर है, फर्स्ट ओनर है, फुल इंश्योरेंस है गाड़ी। कितने की आ रही थी अपने टाइम? ये आ रही है 13 लाख के समथिंग, इसमें कुछ है। आपने क्या रखा? हमने इसका प्राइस रखा है 4,25,000। 4,25,000 रुपये में आपको डस्टर मिल जाएगी, थोड़ा बहुत जो भी होगा बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए रिवार्ड किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, एक और आपको गाड़ी दिखाते हैं, ये भी गाड़ी आजकल बहुत पसंद की जा रही है, फोर्ड टाइटेनियम इको स्पोर्ट। ये कौन सी वाली है? ये इको स्पोर्ट टाइटेनियम प्लस है, टॉप मॉडल है, पुश बटन स्टार्ट वाला। बाकी ये कितना चल? 2013 मॉडल में ये 70,000 के आसपास किलोमीटर ड्रिवन है जी। ओनर इसका सेकेंड है। आपने इसका प्राइस क्या रखा? इसका प्राइस रखा है हमने 4,50,000। दोनों डीजल में? हाँ, दोनों डीजल में। इनका दोनों का माइलेज क्या है? माइलेज इनका यही 12-13 के आसपास में ही होता है, डस्टर का थोड़ा ज़्यादा होता है, इको स्पोर्ट का 12-13 में, डस्टर का 15 से प्लस में माइलेज आता है। बाकी माइलेज आपकी चलाने के ऊपर होती है, गाड़ी के कोई उसमें नहीं होता, आप किस तरह गाड़ी चला रहा हो उसके ऊपर माइलेज निकलती है। बाकी आप बात करिए, अरहान भाई हैं, इनका एड्रेस और जो भी फ़ोन नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टाइमिंग जो रहेगी, ऑफिशियल टाइमिंग कॉल करें तो ज़्यादा अच्छा है, 10 बजे से लेके 8 बजे तक कॉलिंग करें, क्योंकि नाइट में कॉल करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अगर कोई कॉलिंग मिस होती है तो व्हाट्सएप वगैरह पे? जी, व्हाट्सएप पे आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बस कॉलिंग का थोड़ा ऑफिशियल टाइम में करें, व्हाट्सएप पे आप किसी भी टाइम कर लें, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। जी जी ठीक है, अपनी जो क्वेरी है, जो भी आप डिटेल लेना चाहते हो, जिस गाड़ी की भी लेना चाहते हो, आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। बाकी रन भाई वही एक छोटा सा फिर रह जाता है हमारा पार्ट, जो सर्विस है, फैसिलिटी है आपके यहाँ,
सबसे पहला फाइनेंस, बिल्कुल फाइनेंस है अवेलेबल है दिल्ली एनसीआर पीपल्स के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए पूरा फाइनेंस, आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर, आउट ऑफ दिल्ली के लिए भी कोशिश हो रही है, बस वो भी हो जाएगा थोड़ा टाइम में, फिर भी अब भी करा देते हैं जिनकी अच्छी प्रोफाइल है उनके लिए करा जैसे देते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके लिए हो जाता है? हाँ जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सर्वेंट वालों के लिए हो जाता है। ओके ओके, तो लोन भी हो जाता है लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती हैं। और बात करें हम डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन आप कराते हो अपने? जी जी, डॉक्यूमेंट हम खुद ही करा के देते हैं, अगर आपको एनओसी चाहिए आरसी ट्रांसफ़र करानी है हम खुद करा के देंगे। आप इंजन की नॉन एक्सीडेंट की और पेपरों की गारंटी होती है, बाकी मैकेनिकल में कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो वो भी आपको ओके करानी है ले जाने महीने, के बाद महीने तीन महीने तक अगर कोई जी जी अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ गई तो आपको ओके करा के देंगे बिल्कुल। ओके ओके, चलिए अरान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपने बहुत अच्छी आज गाड़ियाँ दिखाई हैं, आशा करता हूँ कि इनकी प्राइसिंग और इनकी गाड़ी आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी आपको जैसा भी लगा है आप हमें एक बार कमेंट ज़रूर करें, इनका कलेक्शन कैसा लगा, इनकी गाड़ियाँ कैसी लगी, प्राइसिंग कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई करूँ, लेकिन जितना समय होता है मैं उतना करता हूँ। तो दोस्तों ख़त्म करता हूँ वीडियो को उन्हीं दो बातों के साथ में, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। तो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।